lovelies, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys, we're watching The Real Truth about Nora Fatih. Yeah guys, just go and check this one out. Don't know if it's true or not true or whatever, you know, is in there. You guys, I'm sure in the comments below, can let us know. But I thought we'd check it out anyway and see what it's like. And if there's any other videos of Real Truth stories of other actors and stuff like that that you guys want to react to, also do let us know. The link to this video will be in the description below. Click on it, go on the channel and see what else is out there. Nora, obviously, you know, we all know she's an amazing dancer. She can sing, she can act as well. She's been doing movies and all that, but she's been quite, quiet in the that kind of front, but busy doing probably whatever else in her life. I'm not saying she isn't doing anything, but not in the movie or the song front, I believe. I haven't seen her or not come across, no. Or certainly not in any songs. What did we watch? It seems like she was, she looked like so different. She looked young. What was it? It was a song, wasn't it? Like one of her first movies. No, was it? What did we watch? I can't even remember. We watched something and it had Nora in it. Where she was very young looking. It was a dance number. It was. Us Three. That's what it was. We were watching Three, the first one. And she's in there and we saw her and went, oh my gosh, she looks so different. Yeah. But anyway, guys, thank you to everyone who shows their love and support and comes onto our channel. And do let us know what else you react to. Let's check this one out. Here we go. Welcome to Social. नोरा फतेही आज इंडस्ट्री में एक बहुत ही आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, जिनके डांस नंबर्स की वजह से एक एवरेज फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल बिजनेस कर पाती है। कहना गलत नहीं होगा कि नोरा बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेटर रही हैं, जिन्होंने कई स्टीरियोटाइप्स भी ब्रेक किए हैं। इस वीडियो में हम आपको नोरा की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। Okay, what can I do? I'm not going to be able to do it. Early life. Nora एक अरब फैमिली से बिलोंग करती हैं जिनके फैमिली रूट्स मोरक्को से जुड़े हैं। नोरा के बर्थ से पहले उनकी फैमिली ने कनाडा में माइग्रेट कर लिया और पूरी लाइफ नोरा ने कनाडा में ही बिताई। बचपन से नोरा को बॉलीवुड फिल्म्स देखना बहुत पसंद था और वहीं से उन्होंने रियलाइज किया कि हिंदी फिल्म्स में एक एक्ट्रेस को डांस भी करना आना चाहिए और एक्टिंग भी। जब भी नोरा घर पर एक्ट्रेस बनने की बात करती थी तो उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत ही गुस्सा करते थे और समझाते थे कि ऐसा काम फैमिली की लड़कियां नहीं करती। नोरा की फैमिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर बहुत कंजर्वेटिव रही है, इसलिए नोरा ने कभी भी दोबारा अपनी फैमिली को अपने एम्बिशंस के बारे में नहीं बताया। नोरा ने डांस के लिए भी कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि हमेशा उन्होंने टीवी से देख देख कर डांस सीखा है। नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और स्कूल में सब उनके डांस का मजाक उड़ाया करते थे, पर नोरा फिर भी डांस को लेकर बहुत पैशनेट रही और अपने हाई स्कूल के टाइम तक उन्हें बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड्स मिलने लगे, जिसके बाद उन्हें एक रेप्यूटेड आर्ट स्कूल में स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई और तब उनकी लाइफ का ये सबसे बड़ा मोमेंट था। नोरा को बस अपनी मदर के सिग्नेचर्स चाहिए थे, पर उन्होंने कभी भी इस बात को माना ही नहीं कि उनकी बेटी एक परफॉर्मर बनेगी। वो यही चाहती थी कि नोरा अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके कोई ऑफिस में जॉब करें। स्ट्रगल स्टोरी। स्कूलिंग खत्म करने के बाद नोरा की लाइफ में एक बहुत ही डिफिकल्ट फेस आया, जहां उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ और सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नोरा पे आ गई। नोरा ने उस वक्त एक वेट्रेस की जॉब की और उसके बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा। नोरा दिन में एज अ वेट्रेस काम करती थी और इवनिंग में एज अ टेलीकॉलर। पूरे एक साल तक नोरा ने कई जॉब्स की और साइड बाय साइड उन्होंने इंडिया के मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई करना शुरू किया, जिसके बाद एक एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया। नोरा 2012 में इंडिया आई और उन्हें उसी साल ही एक एडवर्टाइजमेंट में कास्ट किया गया। अच्छा पापा नाचो।
एक दो और एड्स में कास्ट किया पर एजेंसी ने उन्हें इसके लिए कोई भी पैसे नहीं दिए। नोरा ने बताया कि फॉरनर्स को इस इंडस्ट्री में बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है और सिंस हमें इस प्रोफेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता होता तो एजेंसी के लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। नोरा को 20 लाख की पेमेंट की जानी थी पर उनकी एजेंसी ने उन्हें वो पैसे कभी दिए ही नहीं और उनका पासपोर्ट भी अपने पास ही रख लिया। एजेंसी को छोड़ने के बाद नोरा कई फिल्म्स के ऑडिशन देने जाया करती थी पर उनकी हिंदी को देख के उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और कई कास्टिंग डायरेक्टर्स उनका मजाक भी उड़ाते थे। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें ये भी कहा कि तुम्हें अपनी कंट्री वापस चले जाना चाहिए, तुम जैसे लोग यहाँ बहुत हैं। फिर एक साल की स्ट्रगल के बाद 2014 में नोरा को एडवेंचर फिल्म रोर में कास्ट किया गया जहाँ उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल में देखा गया पर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही और नोरा को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जैसे उन्होंने इमेजिन की थी। इस फिल्म के बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा और उन्हें फिल्म के हर ऑडिशन से रिजेक्ट किया जाने लगा। नोरा ने बताया कि हर ऑडिशन के लिए वो रात भर उसकी लाइंस याद करती थी और सुबह ऑडिशन में उनकी हिंदी ठीक ना होने की वजह से उन्हें सभी रिजेक्ट कर देते थे। इसके बाद नोरा ने साउथ इंडस्ट्री में भी ट्राई किया पर वहाँ उन्हें सिर्फ डांस नंबर्स ऑफर किए गए। सबने उन्हें कहा कि तुम्हें आइटम सॉन्ग्स नहीं करने चाहिए क्योंकि उसके बाद तुम्हें सब एक आइटम गर्ल की तरह ही देखेंगे। पर नोरा को लगा कि कुछ ना करने से अच्छा है जो उन्हें ऑफर किया जा रहा है वो उसी में एफर्ट लगाएं क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता कि एक सॉन्ग या छोटा सा रोल भी आपको फ्यूचर में कहां ले जाए। गुड थिंकिंग है ना, स्टेप फुट इन द डोर। फिल्म टेम्पर में जब नोरा एक गाने में नजर आई तो उसके बाद से ही उन्हें कई और फिल्म्स में डांस नंबर्स में फीचर किया जाने लगा जिसमें सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही। उसके बाद नोरा को बिग बॉस सीजन 9 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री देखा गया और ऑडियंस ने भी उन्हें काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद नोरा ने झलक दिखलाजा में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और वहां से नोरा को बॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे। फैंस मानते हैं कि नोरा का करियर सॉन्ग दिलबर से चेंज हुआ पर उनके मुताबिक हार्डी संधू का सॉन्ग ना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। उस म्यूजिक वीडियो में नोरा पहली बार एक लीडिंग लेडी के तौर पर नजर आई जिसके बाद उन्हें दिलबर और कमरिया गाने के लिए साइन किया गया। फिर जब दिलबर रिलीज हुआ तो वो एक इंस्टेंट चार्टबस्टर सॉन्ग बना जिसने यूट्यूब पे फास्टेस्ट 200 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया। नोरा को उसके बाद से ही टॉप लिस्टिंग परफॉर्मर्स के तौर पे देखा जाने लगा जिनके हर एक सॉन्ग में कुछ नया देखने को मिलता है और कई बार तो उन्हें इन स्टेप्स को करते हुए इंजरी भी हो जाती है। सो दैट एक्सप्लेन्स कि नोरा हर एक गाने के लिए कितना एफर्ट करती हैं। रिलेशनशिप्स नोरा और अंगद बेदी दोनों ही एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और मीडिया में उनके रिलेशनशिप में होने की न्यूज हमेशा र्यूमर रहती थी। फिर जब अंगद ने नेहा धूपिया के साथ मैरिज अनाउंस की तो नोरा के लिए वो टाइम बहुत डिफिकल्ट था और उन्होंने एक इंटरव्यू में कन्फेस भी किया कि आफ्टर माई ब्रेकअप आई वॉज एट द लोएस्ट ऑफ माई मेंटल हेल्थ। पर कुछ मंथ्स बाद नोरा ने रियलाइज किया कि उन्हें इन सब बातों से मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि आज जहां भी वो अपने करियर में पहुंच पाई हैं वहां पहुंचना उनका हमेशा से ही एक ड्रीम था। सो एक ब्रेकअप से उन्हें अपने करियर को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। नोरा ने बताया कि उस फेज से उन्होंने बहुत कुछ सीखा एंड अब वो लाइफ को लेकर पहले से भी ज्यादा पॉजिटिव हैं। नोरा बिग बॉस सीजन 9 की वाइल्ड कार्ड एंट्री रही है जहां उनका लिंकअप प्रिंस से किया जाने लगा और जिस दिन नोरा बिग बॉस से इविक्ट हुई उस दिन प्रिंस ने उन्हें प्रपोज भी किया। नोरा जब बाहर आई तो सबने उनसे प्रिंस और उनके अफेयर के बारे में पूछा पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये लिंकअप कैसे हुआ। फिर जब नोरा ने शो देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि शो में उनका और प्रिंस का बेफिजूल में लिंकअप किया गया था। नोरा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका और प्रिंस का कभी रिलेशनशिप नहीं रहा और प्रिंस ने उन्हें प्रपोज भी सिर्फ कैमरा के लिए ही किया था। बिग बॉस से नोरा को रियलाइज हुआ कि रियलिटी शोज में किस तरह से रियलिटी को सेंसेशनलाइज करके दिखाया जाता है। फिलॉसफी नोरा मानती है कि उनके सॉन्ग्स के थ्रू बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड आया है जहां आइटम सॉन्ग्स को एक वल्गर सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड आर्ट फॉर्म के तौर पर देखा जाने लगा है जहां नोरा अपने हर गाने में एक नया स्टेप लेकर आती हैं जिसको परफॉर्म करना अपने आप में ही एक चैलेंज होता है। नोरा मानती है कि इंडस्ट्री में आपको टाइपकास्ट कर दिया जाता है जिसके बाद आपको सिर्फ एक तरह का काम करने को मिलता है। नोरा ने खुद अपने स्ट्रगलिंग डेज में टाइपकास्टिंग फेस की है जहां उन्हें सिर्फ एक आइटम गर्ल के तौर पर ही देखा जाता था पर आज नोरा फिल्म्स, एड्स, रियलिटी शोज हर जगह नजर आती हैं। देखा जाए तो नोरा की जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है जहां इतना रिजेक्शन मिलने के बाद भी उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और आज उनकी फॉलोइंग मिलियंस में है। लेसन नोन फैक्ट्स नंबर 1 नोरा की फेवरेट फिल्म्स हैं स्टेप अप और सेव द लास्ट डांस। दोनों ही फिल्म्स डांस की थीम पर बेस्ड हैं और जब उन्हें फिल्म स्ट्रीट डांसर में एक रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने फिल्म को उसी वक्त साइन कर लिया। नोरा का कहना है कि स्ट्रीट डांसर उनके करियर की वो फिल्म बनेगी जिसके बाद उन्हें फिल्म्स में एज एन एक्ट्रेस कास्ट किया जाएगा।
नंबर टू, फिल्म माई बर्थडे सॉन्ग में नोरा को एज अ लीड एक्ट्रेस कास्ट किया गया। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें संजय सूरी नोरा के ऑपोजिट नजर आते हैं। माई बर्थडे सॉन्ग को कोई प्रॉपर रिलीज नहीं मिली थी तो ये फिल्म आज भी बहुत अंडररेटेड है। नंबर थ्री, नोरा का अपना यूट्यूब चैनल भी है जहां वो कॉमेडी स्किट्स अपलोड करती हैं। नोरा बिलीव्स कि वो एक बहुत ही अच्छी कॉमेडियन है और एक दिन वो किसी कॉमेडी फिल्म का पार्ट भी बनना चाहेंगी। अरे भैया रुको, भैया कौन है ये? भैया बॉम्बे में बहुत गर्मी है, थोड़ा इंग्लैंड जॉब कर दीजिए ना। इंग्लैंड? क्या मजाक कर रहे हो होने के टाइम में। भैया मेरा लाइफ इतना खराब हो गया, क्या बताऊं। भैया घर छोड़कर इंग्लैंड जा रही है। ठीक है, लेकिन सुनता हूँ। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं Anyway, we'll leave you at that. I know about her because I really like her. I know about her story already, especially about like the struggles she had and her two jobs. Oh, okay. With her parents divorcing at that time as well. And also that parents didn't want her to be in any sort of thing with that, you know, dance, acting or anything like that. So I did know that as well. I love the fact that she never gave up regarding going through whatever. I mean, all that wouldn't have been easy, having parents who don't want you to go through that. And obviously, it can't be easy on anyone when parents separating. And then on top of that, having to work two jobs, having responsibilities, then come in and then being like, you know, treated in the way that you are, not getting paid for the jobs that you're doing, finding a way in, but still getting refusals after. And that can break someone's willpower. And then, but not still, not giving up, still playing on. It's just inspiration to women that, you know, if there's something that you really want, you have to work hard for it. And certainly, like now, she didn't even know the language. Or she could say, but she couldn't speak it in the way that she would want to. But she's been picking it up and building on it and working on that. And, you know, and recently, I think the latest one was she made Crack with Vidya Jamwal, didn't she? Leading lady in there. So, you know, and she's done a few other big roles. So it's that thing of not to give up on your dream and what you want to do and just keep on, you know, proving everyone the naysayers wrong. Yeah. So well done to her, honestly. Anyway. That was Real Truth of Nora for today. Let us know what else to react to. Don't forget to like, share, subscribe. See you next one. Bye. Bye.